What's up? Welcome back to my channel. My name is Anjali and you are watching the Captain NJ. अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और मेरे वीडियोस पहले से ही देखते हैं then thank you so much. और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले. As you guys know, करवा चौथ इज राइट अराउंड द कॉर्नर और मैंने लास्ट ईयर भी करवा चौथ लुक क्रिएट करा था और आप लोगों के साथ शेयर करा था, तो मैंने सोचा वाई नॉट दिस ईयर. मतलब आई नो वी ऑल आर इन 2020. ये साल जो है हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा है, पर हम लोग फेस्टिवल मनाने से खुद को नहीं रोक सकते, तो मैंने इस लुक को बहुत ही ज्यादा सिंपल और सटल रखने की कोशिश करी है एक्सेप्ट आईलाइनर. जी हाँ, मैंने आईलाइनर थोड़ा सा बोल्ड लगाया है, थोड़ा सा थिक लगाया है, बट रेस्ट ऑफ द मेकअप इज लाइक रियली सिंपल. लेट मी जस्ट स्टार्ट द वीडियो एंड शो यू हाउ डिड आई क्रिएटेड दिस लुक स्टेप बाय स्टेप. मेकअप स्टार्ट करने से पहले इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू प्रेप अप योर स्किन. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस टोनर. दिस इज फ्रॉम ब्रांड कॉल प्लम. दिस इज रियली गुड फॉर कॉम्बिनेशन ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन. आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस, स्पेशली टू माई टी जोन, बिकॉज वहाँ पर सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फेस मॉइस्चराइजर. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ब्रांड कॉल प्लम एंड उसको मैं अपने पूरे फेस के साथ साथ नेक पे भी लगाऊंगी. इससे जो मेरी स्किन है वो पूरी तरह से हाइड्रेट हो जाएगी. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस प्रेप मी अप फेस प्राइमर. दिस इज फ्रॉम नाइका. आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई टी जोन एंड देन स्प्रेड इट विद माई फिंगर्स. ये जो प्राइमर है वो काफ़ी लाइट वेटेड है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है. इससे क्या होता है, इंस्टेंटली आपकी जो भी फाइन लाइन्स है या ओपन पोर्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं. नेक्स्ट आई एम मिक्सिंग दीज टू फाउंडेशन फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड. वन इज़ फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क इन द शेड 310 सन बेज एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम नायका इन द शेड 03 वॉर्म सैंड. बेसिकली एक हैक है, गलती से जो मेबलिन वाला है वो वन शेड डार्कर आ गया था, तो मैं यहाँ पर मेरा जो ओरिजिनल शेड है उसके अंदर इसको मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये जो फाउंडेशन है वो मेरा वेस्ट ना हो. नाउ आई एम टेकिंग दिस डैम ब्यूटी ब्लेंडर. मैंने इसको पानी में 10-15 मिनट तक भिगा के रखा था और पूरी तरह से निचोड़ लिया है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है. देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट ऑल ओवर माई फेस, नेक एंड ईयर्स एज वेल. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस लिक्विड कंसीलर. दिस इज फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड स्विस ब्यूटी. आई एम इन द शेड 06 क्लेयर मोयन. आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई टी जोन एंड ऑल्सो गोइंग टू हाइड माई डार्क सर्कल्स एंड द पिम्पल स्कार्स एंड गोइंग टू ब्लेंड विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर. If in case you want to buy any of these products, don't worry, I will mention all the direct purchase link in the description box below, so don't forget to check them out. Okay, so concealer is almost blended. Now we will move to the next step. In this, I'm going to pack my base. For that, I am using this Fit Me Matte Plus Poreless Compact Powder. And I'm in the shade 109 Light Ivory. तो स्पेशली जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ पर मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी और मैं पूरे बेस को अच्छे से पैक करूंगी. नाउ नेक्स्ट आई एम गोना यूज दिस आईब्रो पेंसिल. दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल एट्यूड हाउस. आई एम इन द शेड 03 ब्राउन. इन दिस पेंसिल वन साइड यू गेट द प्रोडक्ट एंड द अदर साइड यू गेट द स्पूली. सो आई एम गोइंग टू कॉम माई आईब्रो विद द हेल्प ऑफ स्पूली एंड देन आई एम गोइंग टू फिल अप माई आईब्रो वेरी केयरफुली. देर आर गैप्स इन बिटवीन, आई एम गोइंग टू फिल अप देयर एंड देन लास्टली आई एम गोइंग टू कॉम इट अगेन. Now I'm going to highlight my eyebrows. This step is really really important if you really need those, you know, highlighted eyebrows. So don't forget to do that. I'm just gonna take the same concealer and gonna apply on the edges of my eyebrows and gonna blend it with the same beauty blender. With this I'm gonna get a complete flawless base for my eyeshadow. Now I'm going to pack this concealer with the same compact powder. टुडे आई एम गोना डू अ वेरी सिंपल आई शेडो. इवन आप लोग भी जानते हैं कि मैं भी अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ, तो आई एम नॉट एक्सपर्ट हियर. ओके, सो आई एम गोना यूज दिस मेकअप रेवोल्यूशन आई पैलेट एंड फर्स्ट आई एम गोना बिल्ड अप माई क्रीज. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड कॉल वाइशी एंड आई एम गोना टेक दिस डार्क ब्राउन शेड एंड गोना अप्लाई इट ऑल ओवर माई क्रीज एंड आई एम गोना गो बैक एंड फोर्थ एंड आई एम गोना डू दैट अंटिल आई गेट द डिजायर क्रीज. Once this is done, I'm gonna take this peachy shade from the same palette and gonna apply it all over my eyelid and I'm gonna go back and forth until I get the desired shade. Next, I'm gonna take this pink diamond shade from the same palette and gonna apply it in the center and finally gonna highlight the brow bones and the inner corner with this small brush. Next, I'm going to do mascara. For that, I think I'm using the oldest mascara that I have and I'm going to coat it twice because I'm not using any false lashes.
Ashish for this look. Next, I'm going to apply a thick, bold eyeliner. This is also from Nykaa. I will make sure to give the link in the description box. This is in the shade Onyx 01. For this makeup look, I'm gonna apply white kajal, and this is from brand called Bonjour Paris. I've applied it on my lower waterline. Now, this I have completed off camera. Moving on to the next one, I'm gonna contour and highlight my face at the same time. So this duo stick is also from brand called Maybelline New York, and it also has two products in it. One side you get the contour and the other side you get the highlighter. This is a cream based product, isliye bahut hi jaldi se ye blend bhi ho jata hai. So I'm gonna contour my nose, cheek, jawline and the forehead, and also gonna highlight my T-zone and the cheekbone area. And finally, I'm gonna take this angular brush and blend everything in one go. Okay, next I'm going to apply blush, and this is from brand called Wet n Wild. I'm in the shade Mellow Wine, and I'm gonna apply it on my cheek and gonna blend it with the same brush. For lipstick, I'm using this Nykaa So Matte lipstick. I'm in the shade Naughty Nude 11M. It's a proper nude shade because we have already done so much on the eyes, so I wanted to keep the lips subtle. But in the camera, it's looking more of a red, but it's a proper nude shade. Next, I've applied Bindi, and I've done this simple juda and tied up all the hair in the back. Okay, so this is how the makeup looks without jewelry. Now I'm gonna complete this look with the jewelry and with some gajra, because without gajra the Karwa Chauth look is incomplete. So I bought these gajras from Amazon. I'm gonna give the link in the description box. Please do check them out. Now I'm gonna put this jhumkas. This one was gifted by my husband. I will try my best to get the link for this one as well. Next, I'm gonna apply the sindoor. Of course, it's a Karwa Chauth look and sindoor is a must thing. Next, I'm gonna wear this chura. This one is from my marriage, and finally wrap the sari, and here is the final look, guys. This is it in today's video. I hope aaj wala look aapko acha laga hoga. In case is look ko aap recreate karte hain, then please don't forget to tag me on Instagram. My Instagram handle is CaptainNJ0325. Overall look ke bare mein aapka kya kehna hai, wo bhi aap mujhe comment box mein bata sakte hain. On this note, I'm gonna say bye bye to you, and I'll see you in my next video. Till then.